बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीसी गाइड ऑफिशियल, और मैं हूं मोहम्मद इरफान वाला, पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम बात करेंगे सिचुआन यूनिवर्सिटी की सीएस स्कॉलरशिप के बारे में। तो गूगल में आपने टाइप करना है सीएस गाइड ऑफिशियल, और पहले लिंक पर कर देना है क्लिक, हमेशा की तरह ठीक हो गया। उसके बाद आपने सिचुआन यूनिवर्सिटी, आपने यहाँ पर क्लिक करना है सीएस स्कॉलरशिप एडमिशन में। अगर आपको ना मिले, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। हम इस पर आज डिस्कस करेंगे कि क्या हिसाब किताब है इसका। अथॉरिटी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, सिचुआन यूनिवर्सिटी है, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। स्टाइपेंड आपको पता है कितना होता है, जो होता है जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, कुछ भी आपने नहीं करना ठीक हो गया। और डेडलाइन जो है अप्रैल 1 टू मई 30, 2022। आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दें, लाजमी नहीं है कि अप्रैल से ही शुरू हो, बस आप इसकी डेडलाइन जो है 30 मई है, लेकिन जो जल्दी अप्लाई करेगा बस बेहतर होगा उसके लिए ठीक है। इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट्स मास्टर के लिए 35 साल, और 40 साल जो है पीएचडी वालों के लिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ काम चल जाता है, आइट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अप्लाई कैसे करना है, पहले तो आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद सिचुआन की यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल फिल करना है, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। रिजल्ट विल बी अनाउंस एट द एंड ऑफ जुलाई ठीक है। सीएससी का फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, ये यहाँ से क्लिक करना है ठीक हो गया। ये वीडियो आप देख सकते हैं, और यूनिवर्सिटी के फॉर्म पर हम चलते हैं कि क्या हिसाब किताब है। ओके हो गया। वीडियो जो है मैं साफ ज़ाहिर अपलोड कर दूंगा सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं कौन से हैं, पहले तो सीएससी का फॉर्म हो गया ठीक हो गया, ये तो आपने फिल करना होगा। यूनिवर्सिटी का फॉर्म, हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, स्टडी प्लान, उसके बाद स्टडी प्लान मस्ट बी 1800 वर्ड टू वर्ड एंड फॉर पीआईडी इट्स 1500 वर्ड्स ओके। टू रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कापी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, पेपर वगैरह कुछ हैं तो ठीक है। नौकरी में सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है। मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो उसके यूनिवर्सिटी पोर्टल पर उन्होंने दी गई है, तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एडवर्टाइजमेंट पर देख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, जो भी उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्लिक करना है यहाँ पे सिचुआन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, और आ जाना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे scu.17jz.org। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर करना है क्लिक ठीक हो गया। यहाँ से आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आगे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। अग्री एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे दो हैं, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड द चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, दो हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, क्या मेजर्स का फ़र्क तो नहीं है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड में काफ़ी सारी कुछ मेजर्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं और उन्हीं को स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। चाइनीज गवर्नमेंट में और मेजर्स होते हैं, लेकिन ये हैं दोनों सीएससी की ही स्कॉलरशिप्स ओके। तो मैं अगर आपने चाइनीज पहले हम इसको देख लेते हैं ठीक है। बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप को मास्टर प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये सारे चाइनीज़ में हैं, हम इसको पहले फ़िल्टर कर लेते हैं इंग्लिश में कि इंग्लिश में कौन कौन से हैं। सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड एनवायरमेंटल, अगर तो मेजर जो है यहाँ पे बेल्ट एंड रोड में और चाइनीज़ गवर्नमेंट में सेम है, फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उसमें अप्लाई करें चाइनीज़ गवर्नमेंट में ठीक हो गया। क्योंकि सम टाइम कुछ ऐसा भी होता है कि जो उनकी बेल्ट एंड रोड होती है वो यूसी स्कॉलरशिप में भी थोड़ी बहुत काउंट की जाती है, मीन्स कि उनको यूसी स्कॉलरशिप काउंट किया जाता है ठीक है। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ चाइनीज़ गवर्नमेंट में अप्लाई कर दें। यहाँ अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है आप तीन चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, तीन के लिए, और आप कहते हैं कि मैं क्या करूं इसके लिए, बेल्ट एंड रोड के लिए अलग से अप्लाई करूं कर दूं या नहीं, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फिल ही करना है यूनिवर्सिटी सीएससी का फॉर्म, तो आप ऑलरेडी तीन अप्लाई कर चुके होंगे। अगर आपने नहीं किया और आप पहले चाहे सीएससी के लिए ही अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी तीसरी यूनिवर्सिटी है या दूसरी यूनिवर्सिटी है, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन चूज़ करें। अच्छा, इसमें हम अब देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बिजनेस स्कूल, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। पहले सिविल इंजीनियरिंग में हम देखा ये कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें दो मेजर हैं, एक ये सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इस सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट हो गया ठीक है। अब मैं बैक जाता हूँ, पहले क्लियर कर लें इस चीज़ को ठीक है। तो इस चीज़ को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर जो है हम आगे जो है फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कौन कौन से कर रहे हैं। एग्री एंड कंटिन्यू, और अब चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और वही मास्टर सेलेक्ट करते हैं ओके हो गया। इसके बाद इंग्लिश, और फाइंड कर लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है आर्किटेक्चर एंड एनवायरनमेंट, और उसके बाद वही आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, सारे मेरे ख्याल में वही हैं, चेंज नहीं हुए ठीक है।
इसमें कोई चेंज नहीं हुई। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो ऑप्शन है उस पे सिलेक्ट करें, बजाय जो है आप बेल्ट एंड रोड पे अप्लाई करने के। जो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई सस्ता दानशवर या काठा अंग्रेज आ गया, इस ये है वो है, तो वो हो सकता है उसकी वो हो थिंकिंग, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अच्छा, इससे बेहतर है कि हम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे चले जाएँ, वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप वगैरह या इस तरह का कोई सीन, कोई अलग कोई नई चीज़ हमें मिल जाए देखने को, तो वो भी हम देख लेते हैं। स्पीड थोड़ी स्लो है, हो सकता है ये टाइम ले। हो गया। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे, अच्छा, सिचुआन यूनिवर्सिटी द बेल्ट एंड रोड, अच्छा द बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप, अभी पता चल जाएगा, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है जी, अप्लाई अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन आवर वेबसाइट फ्लाम 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 एंड यूनिवर्सिटी, प्लीज़ बी श्योर योर ईमेल। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे ख्याल में CSE का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, CSE का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे फॉर्म का। अच्छा, अब हम चले जाते हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन जो है इस पे, कि ये क्या, इसका क्या हिसाब किताब है। बेल्ट एंड रोड एंड द चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, हमने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम देखना है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में क्या सीन है। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में यहाँ पे जो है, हम मैं CSE का फॉर्म चेक करने जा रहा हूँ कि CSE का फॉर्म, हाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको कहा कि सम टाइम जो है उनका बेल्ट एंड रोड जो प्रोग्राम होता है वो CSE के अंडर नहीं आता, ठीक है। तो आप फिर चाहे, अगर CSE के लिए अप्लाई करना, इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि आप, अगर आप CSE के लिए विलिंग है अप्लाई करने के लिए, तो आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सेलेक्ट करें, और अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या इसमें कुछ और जो भी करना है, अगर आप रोड एंड बेल्ट पे अप्लाई करेंगे तो आप फिर उसमें अप्लाई नहीं करेंगे, उसमें CSE का फॉर्म फिल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने CSE के फॉर्म की कोई वो नहीं दी गई कि CSE का फॉर्म कब जो है, कब आपने आपने यहाँ पे सबमिट करना है या नहीं करना। जैसे अब मैं दोबारा आपको बता दूँ, स्टडी इन चाइना जो उन्होंने लिखा हुआ है ये, अब मैं दोबारा भी क्लिक कर देता हूँ चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में, जैसे ये वाला लिखा हुआ है lihua.cse.edu.cn, ये वही फॉर्म है जो आप वैसे नॉर्मली फिल करते हैं, स्टडी इन चाइना डॉट सी एस सी डॉट सी एस सी डॉट ई डी यू डॉट सी एन, वो फॉर्म है, ठीक हो गया जी। ठीक है, तो ये वही फॉर्म है, असल में मैंने वीडियो रोक दी थी, बाहर थोड़ा सा शोर था। अच्छा, अब यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी कि क्या है। अब हम स्टाइपेंड देख लेते हैं कि यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, स्कॉलरशिप डिटेल ग्रेजुएट के लिए, मींस के मास्टर के लिए फुल स्कॉलरशिप, उसके लिए भी फुल स्कॉलरशिप। फुल स्कॉलरशिप मीन कि इनका स्टाइपेंड भी होता है। अब ये नहीं पता कि इनका स्टाइपेंड कितना होता है, क्योंकि स्टाइपेंड उन्होंने मेंशन नहीं किया। जैसे CSE का तो सबको पता है स्टैंडर्ड है 3,000 RMB मास्टर वालों के लिए और 3,500 RMB PhD वालों के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपको पता चल गया क्लियरली, अगर तो आपने इसमें बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो CSE का फॉर्म फिल नहीं करेंगे, उन्होंने मेंशन नहीं किया, ओके हो गया। और अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट, वैसे भी नॉर्मली जो है क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सी बात है कि यहाँ अगर दोनों में मेजर सेम है, इट मीन्स कि बेल्ट एंड रोड में काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है यूनिवर्सिटीज़ जो है स्पेसिफिक मेजर्स डाल देती हैं कि इनको बेल्ट एंड रोड मिलेगी, होगी CSE। यहाँ पे उन्होंने इनके और मेजर और CSE के दोनों के सेम है चाइनीज गवर्नमेंट के, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे स्पेसिफिक मेजर्स में जो सिल्क रोड ऑफर की जाएगी, सिल्क रोड स्कॉलरशिप ही उनकी अलग है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, वैसे भी अगर दोनों में मेजर आ रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि आपने चाइनीज गवर्नमेंट पे सिलेक्ट करना है, अगर तो आप CSE के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं होता तो मैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिलेक्ट करता, ठीक है, अगर मैं CSE के लिए अप्लाई करना होता, अगर करना होता तो मेरे पास एक्सेप्टेंस होता, तो अगर ना होता एक्सेप्टेंस तो मैं यहाँ पे बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप में अप्लाई करता, क्योंकि उन्होंने फुल स्कॉलरशिप लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ यह पोस्ट पुरानी है या जैसी है, लेकिन उन्होंने फुल स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखा हुआ है। फुल स्कॉलरशिप मीन्स फुल स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता और किसी और यूनिवर्सिटी में मैं जो है CSE के लिए अप्लाई कर देता। तो आप भी अगर आप ऐसा करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। यहाँ पे द टाइम फॉर एप्लीकेशन इज जनरली फ्रॉम अर्ली जनवरी टू मार्च 30, ये जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन्होंने लिखा हुआ था 30 मार्च है, लेकिन उनकी एडवर्टाइजमेंट पे जो उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि ये वो कि 30 मार्च है, या अपडेटेड जो है कोई नहीं है, बस इसी वजह से लिखा हुआ है हमने वेबसाइट पे कि अर्ली एज सून एज पॉसिबल आप अप्लाई करना है, आप करें, ठीक है, 30 मई तक या 1 अप्रैल तक जाएं ही मत, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई है, डॉक्यूमेंट तो सेंड करने नहीं है, तो एज सून एज पॉसिबल जो है आप अप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ,
ओके हो गया, होप सो ये वीडियो आप अच्छा अब आगे चलते हैं, नहीं अभी नहीं खत्म हुआ। चाइनीज गवर्नमेंट का ऑप्शन मैं करता हूँ सिलेक्ट, और इसके बाद पहले ही लिंक पे कर इसमें मास्टर पे क्लिक कर देता हूँ, पहले लिंक पे नहीं मास्टर पे क्लिक कर देता हूँ, और मैं किसी भी एक मेजर में जो इंग्लिश में है फिल्टर कर देता हूँ, और सॉरी बैग रिटर्न हो गया, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ इंग्लिश, और उसके बाद फाइंड फाइंड पे कर देता हूँ क्लिक, और अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ होम पे, और आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। एक डॉक्यूमेंट जो एक उन्होंने अजीब सा डिमांड किया हुआ था वो मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। ये एक तो पासपोर्ट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होगी, सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन मीन्स कि आपकी डिग्री, डिग्री नहीं तो प्रोविजनल, प्रोविजनल जो आप अगर पढ़ रहे हैं तो ऑफ सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर्स, और उसके बाद स्टडी प्लान या पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान काफ़ी चल जाएगी। उसके बाद जो है इनकी इंग्लिश मीडियम जो आइट्स है, आइट्स सॉरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट काफ़ी, आइट्स की जरूरत नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, नौकरी में सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, उसके बाद एकेडमिक पेपर अगर हैं तो वो भी, ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये आप पता नहीं क्या है, ये आपको सबूत देना होगा कि आप काम कर रहे हैं, जो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर तो ये ऑप्शनल है, स्टार वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार तो शो नहीं हो रहा, तो फिर आप जो है इसको ब्लैंक छोड़ दें। एकेडमिक पेपर्स भी आई थिंक ये भी लाजमी नहीं होंगे, इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ये अगर हो सकता है लाजमी हो तो इसमें आप कोई सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस वाला कोई डाल दीजिएगा। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो है आप क्या कहते हैं उसे, आपके पास कोई एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेंस है तो कोई और अचीवमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ भी हैं तो वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी सारा फॉर्म आपको पता है सेम है, और आप अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, तो बाकी तो फिल करने की जरूरत है नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब अगर आपके पास कोई, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट csgguideofficial.com, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएंगे। गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।